नमस्कार, मैं दीपशिखा आप सभी का जीवन को सरलता, सफलता और सार्थकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विशेष कार्यक्रम दाती दिव्य धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आत्मा सर्वव्यापी नित्य तत्व है, आत्मा ही मानव जीवन का मूल सत्य है। तो आइए सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के श्रीमुख से जानते हैं कि इस संसार में रहकर भी अपने अंतस में कैसे उतरा जा सकता है। बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बहुत ही ध्यान से मैं आपको सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। बहुत बहुत प्यारी बात आपने कही कि संसार में रहते हुए अपने अंतस, अपने भीतर में, अपने हृदय के पास कैसे उतरा जा सकता है। क्या इससे बाहरी झमेलों में भटकने का खतरा नहीं रहता? बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात। अंतस का मामला है और अंतस का मामला अंतस के साथ जवाब अंतस के साथ रहकर ही दिया जा सकता है। भाई, सांसारिक झमेलों के झंझावत से परेशान होकर बहुत से लोगों में विरक्त हो जाने की चाहत पाई जाती है। व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी में परेशानी, गृहस्थी में कष्ट है, कई परेशानियों को देखकर, इन परेशानियों से परेशान होकर विरक्त हो जाने की चाहत लगभग सभी लोगों के अंदर पैदा होती है। कोई भी कभी कभी कह देता है इससे अच्छा तो घर छोड़कर चला जाता। और इस धारणा से कुछ लोग निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर हो भी जाते हैं। मैं ऐसे लोगों के निर्णय पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता, परंतु ये बतलाना आवश्यक समझता हूं कि जो सांसारिक झमेलों से तालमेल बिठाते हुए सांसारिक झमेलों को निपटाते हुए, उनको बैलेंस करते हुए परवर्ती मार्ग के अनुगामी बनकर अपने घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी आत्मा के आनंद से भरने के लिए बाहर भागना छोड़ अपने अंदर में उतरने का मार्ग चयन करते हैं, वे भी कोई गुनाह नहीं करते। कि भाई, कुछ लोगों ने संन्यास लिया तो वो बहुत बड़भागी हो गए, और जो संसार में है लेकिन मार्ग वो भी वही जानते हैं जो भीतर का है, तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। क्योंकि ये एक तथ्य है कि हर मनुष्य के दो जन्म है, एक इस शरीर के तल पर और दूसरा आत्मा के तल पर। हमें जन्म देने वाली मां जो नारी है उसको हम मां, और जिस धरती के खंड पर हमने जन्म लिया है उसे मातृभूमि कहकर आदर करते हैं। इसलिए अपने मूल पर टिके रहना बहुत जरूरी है और अपनी जड़ों से न कटना हमारा एक नैतिक दायित्व भी है। समय गुजरने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और बहुत कुछ बदला देखा जा रहा है और बहुत कुछ बदल भी सकता है और बहुत कुछ बदलेगा भी, परंतु नैतिक मूल्य नहीं बदलते हैं। माता मातृभूमि के साथ साथ हम सबका परिवार भी हमारी जड़ें होती है, हमारी पहचान है, हमारी वही पहचान है। इसलिए प्रेम पुरख उसे जुड़े रहने में कोई हानि नहीं है। अपने शरीर, अपने परिवार या अपने देश से प्रेम करने का भाव का अर्थ है जहां हमारा जन्म हुआ उसे जुड़े रहना।
आध्यात्मिक स्तर पर यह कहा जा सकता है कि आत्मा के तल पर जो जन्म हुआ है तो हर आत्मा से जुड़े रहे। इस शरीर के भीतर में वो तत्व है और इस शरीर को लोगों ने पोषा है, तो इस शरीर से, पंचभौतिक शरीर से अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए, जिसकी वजह से यह शरीर है, संसार में रहते हुए गुरु महाराज जी की दया से जाना जा सकता है। इस संसार में रहते हुए अंदर उतरा जा सकता है, अपनी निजता के साथ बैठा जा सकता है। और ऐसा नहीं होता तो मुझे भी संन्यास लिए 50 साल से ऊपर हो गए भाई, और तभी मैं तो संसार में ही कार्य करता हूं, मुझे तो कोई अभी तक तकलीफ नहीं आई। जितना आनंद मैं जब उनके साथ, मेरे बच्चों के साथ रहता हूं, उतना ही आनंद जब मैं आराम से साधना में रहता हूं, दोनों में मुझे फर्क नहीं लगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरे गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का अनुभव वहां भी उतना ही आनंद से आता है। तो मैंने देखा कि हिमालय में जब जाता हूं, पहाड़ों में जब जाता हूं, जंगलों में जब जाता हूं, वहां भी मुझे उतनी मस्ती रहती है, क्योंकि संबंध शरीर में रहते हुए आत्मा से, अपनी निजता के साथ कनेक्टिविटी है गुरु महाराज जी की दया से। और संत ने कहा है कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जो कृपा निधाना। संपूर्ण कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए, जिसकी वजह से मैं हूं उसका बोध होना बहुत जरूरी है, और ये गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे हुआ है। और आप भी अपनी निजता के साथ बैठ सकते हैं, अपने भीतर उतर सकते हैं उस श्वासों का भेद पाकर। सबसे बड़ी बात है आपकी श्वास। जब आपकी श्वास आपको समझ में आ जाएगी तो संपूर्ण संसार और संतत्व समझ में आ जाएगा। सारे संसार में भ्रमण करें पर अपने देश, अपने परिवार को नहीं भूले। वैसे ही इस शरीर में रहते हुए शरीर की हिफाजत करते हुए, मानव जो चोला मन मिला है उसके दायित्व की पूर्ति करते हुए आप पूरे संसार के कामकाज करिए, पर अपनी आत्मा को उपेक्षित नहीं छोड़े। इन्हीं बातों को अनुप्रमाणित होकर बहुत से संतों ने लिखा है। अमीर खुसरो भी, कहीं मैंने पढ़ा है किसी बुक्स में कि हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है, इससे मुझे बहुत प्रेम है। बहुत से संतों ने इसके बारे, बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से विरले लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है। महापुरुषों ने इसलिए ऐसे कहा है, ऐसे ऐसी नहीं है जननी जन्मभूमि, जिस जन्म भूमि पर मेरा जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी महान है, ये हमारे ऋषियों ने कहा है। इसलिए कहा कि वो मातृभूमि को, प्रेम को दिखाना चाहते, बताना चाहते थे। बाहरी दुनिया से अधिक अंतरतम के भावों को महत्व देते, संदेश देना चाहते कि अपने अंदर में उतरे, यही ईश्वर है। बाहर भटकने से कोई लाभ नहीं होगा, बाहर भटकने से कोई लाभ नहीं होगा, असली लाभ तो अपने अंदर उतरने से होगा। अब अपने अंदर कैसे उतरे, बड़ा सवाल है। हम संसार में हैं, हमें ऐसा कोई साधन चाहिए जो संसार के संपूर्ण कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति करते हुए हम सरलतापूर्वक अपना सकें। माधव को अर्जुन ने कहा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं युद्ध भी करूं और सुमरण भी करूं। जब माधव ने कहा कि तुम्हारे बहुत से जन्म हुए और मेरे भी बहुत से जन्म हुए, तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। अर्जुन के कई सवाल थे। तब उन्होंने कहा दिम दादिम चेसक, मैं तुझे वो आंख दूंगा जिस आंख से जो तू है वो समझ में आएगा। तो भीतर कैसे उतरा जाएगा, इसी का नाम आत्मज्ञान है, इसी का नाम स्वयं का बोध है, इसी का नाम
सांभवी साधना है, इसी का नाम संजीवनी साधना है। मेरे गुरु महाराज जी की मेरे पर अपार कृपा है कि मैं इस संसार में रहते हुए भी आश्रु बेष्टियों का पिता होने के साथ साथ अपने संपूर्ण कार्य को करते हुए अपने जीवन में उसका अनुभव करता हूं। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, जो मेरा आवरण आप देख रहे हैं बार का, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं सच कह रहा हूं, ये बाल मुझे अच्छे लगते हैं, ये स्टाइल है, देखे होंगे आपके बीच में से सफेद है, मुझे अच्छा लगता है, माला पहनना मुझे अच्छा लगता है, ये कलर से मुझे मेरा प्रेम है, इन सारी बाहरी रूपरेखा से मेरी अंतस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस संसार में मैं रहता हूं उस संसार की वेशभूषा यही है, और ऐसे जिस संसार में तुम रहते हो उस संसार की वेशभूषा, फर्क क्या पड़ता है। पानी का गिलास हमारे सामने पड़ा हो और आपको भी प्यास लगे और मुझे भी प्यास लगे, पानी पीने से आपकी भी प्यास बुझेगी और मेरे की भी प्यास बुझेगी, तो जब आपके पास वो आत्मज्ञान होगा, स्वयं का बोध होगा, नो दाई सेल्फ होगा, वो क्रिया, वो विधि, जिस विधि से अंदर उतरा जाए, तो फिर और किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं रहता। मैंने भी अनुभव किया और आप भी अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई अनुभव कराने वाला हो और मैं आपके साथ हूं कि आप उसका अनुभव कर सके, अपने अंदर उतर सके। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज और श्री शनिधाम ट्रस्ट संपूर्ण भारत में मानव कल्याण हेतु जाना जाता है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज की प्रेरणा से ट्रस्ट द्वारा मानव जीवन को सफल बनाया जा रहा है। श्री शनिधाम ट्रस्ट, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, श्री शनिधाम ट्रस्ट अमीर गरीब, जात पात, छूत अछूत एवं ऊंच नीच की खाई को पाटने तथा समाज में समानता एवं सद्भावना का संदेश देने का कार्य कर रहा है। श्री शनिधाम ट्रस्ट देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण रखने, आपसी प्रेम एवं भाईचारा बढ़ाने, समाज के हर वर्ग एवं समुदाय को एक सूत्र में पिरोने तथा जन जन को राष्ट्रभक्त, सेवाभावी, चरित्रशील एवं सर्वगुण संपन्न बनाने के कार्य में जुटा हुआ है। ट्रस्ट हिंसा रहित वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित होकर मानवता के उद्धार एवं मानव जाति के कल्याणार्थ कार्य कर रहा है। शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट धर्म, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति, साधना एवं सेवा, सत्संग, योग, ध्यान, ज्ञान के माध्यम से समाज को सबल एवं मानव जीवन को सफल बना रहा है। दरअसल श्री शनिधाम ट्रस्ट एक शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं मानवतावादी स्वयंसेवी संस्था है, जो अपनी सेवा भावना के लिए देश भर में जाना और पहचाना जाता है। ट्रस्ट देश के हर उस क्षेत्र में समाज के हर उस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है जो विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत रूप से सबल बनाना है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। राष्ट्र की उन्नति में बच्चों की शिक्षा का अहम योगदान होता है। अतः परमहंस दाती महाराज एक पिता के रूप में सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। गरीब एवं असहाय बालक बालिकाओं को संपन्न तबके के समान शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 1999 में राजस्थान के गांव आलावास में गुरुकुल आश्वासन बाल ग्राम की नींव रखी गई। यहाँ कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे नवीनतम जानकारी प्राप्त कर वैदिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण कर सर्वगुण संपन्न एवं महान इंसान बनकर राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सके। ट्रस्ट द्वारा होनहार छात्र छात्राओं को
छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। ट्रस्ट द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लैपटॉप भी दिए जाते हैं। राजस्थान के जिला पाली में श्री शनिधाम ट्रस्ट, जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती मातृत्व बीमा योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रसव से पूर्व अथवा प्रसव के उपरांत महिलाओं की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा पाली जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती संकट मोचन योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जान बचाने में सहयोग करने वालों को ट्रस्ट द्वारा 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण गर्भावस्था में जान बचाने में सहयोग करने वाला व्यक्ति उस महिला का संकट मोचन बन जाता है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर, आई कैंप एवं योग शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने सैकड़ों पुस्तकों की रचना की है। उन्हीं में से एक शाश्वत खोज नाम की पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में आप मान सम्मान, विनम्रता का उपदेश और शाश्वत शक्ति के बारे में जान सकते हैं। शनिचरण अनुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज अपने साहित्य के संग्रह के एक एक मोती के माध्यम से अपने पाठकों को उनके जीवन में आती समस्याओं से बाहर लेकर आते हैं। जब अपने अस्तित्व की खोज एक शाश्वत खोज बन जाए तो सही में दाती महाराज द्वारा रचित पुस्तक एक शाश्वत खोज अपने अस्तित्व के आलोक में मार्गदर्शक बन जाती है। मान अपमान के बीच झूलते व्यक्ति के स्वभाव को बताते हैं। बहुत सी भावनाओं को हमारे अस्तित्व के विभिन्न पैमाने पर किस प्रकार निश्चित होते हैं ये बताते हैं। अहंकार, एकांत, बुद्धि व साधना किन रूपों में हमें जीवन के विभिन्न पड़ावों को व्याख्यित करती है। इस पुस्तक के माध्यम से जीवन की शाश्वत सत्य को आप भी जान सकते हैं। दर्शकों, मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। कालचक्र के साथ राशियों तथा नक्षत्रों के प्रभाव मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं, जो अनुकूल भी होते हैं और प्रतिकूल भी होते हैं। अतः मानव के जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज न केवल आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन भी कराते हैं। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की, जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, साढ़े साती, महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 9910692003, 9958792003।
4885। हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य परमहंस दातीजी महाराज ने संपूर्ण भारत में अनेकों पावन तीर्थों की स्थापना की है। इन्हीं में से एक दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी में स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम मंदिर भी है। इस धाम की महिमा ऐसी कि यहाँ श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। तो आइए आपको भी दर्शन के लिए लेकर चलते हैं श्री शनिधाम। श्री शनिदेव की महिमा अनंत एवं अपरंपार है। श्री शनिदेव की महिमा अद्भुत एवं अलौकिक है और उस देवाधिदेव श्री शनिदेव का निवास है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दादी मदन महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली की पावन भूमि में स्थित है। पावन धाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारते ही भक्तों के सभी कष्टों एवं कलेशों का स्वतः ही शमन हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के पावन प्रांगण में आने मात्र से मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित श्री शनिदेव की प्रतिमा की बहुत महिमा है। यहाँ स्थापित शनिदेव की प्रतिमा करोड़ों सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित है। भक्तजन अपने आराध्य की इस प्रतिमा को शिखर मूर्ति भी कहते हैं। इस प्रतिमा में श्री शनिदेव की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। श्री शनिदेव की इस प्रतिमा के दर्शन पूजन एवं तेलाभिषेक करने से भक्तों की सबजनित बड़ी से बड़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भक्तों एवं श्रद्धालुओं के समस्त दुखों दर्दों कष्टों व्याधियों का शमन हो जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक शनिवार यानी शनि अमावस्या एवं शनि जयंती पर देश विदेश से शनि भक्त श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आते हैं। यहाँ होने वाले पूजा पाठ एवं अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। पूजन अर्चन एवं तेलाभिषेक कर श्री शनिदेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करते हैं। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित यह प्राकृतिक प्रस्तर शिला सर्व कष्ट निवारिणी सर्व पीड़ा हरिणी सर्व मंगलकारी सर्व कल्याणकारी एवं सर्व सिद्धिप्रद है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आने वाले शनि भक्त इस शिला की 8 परिक्रमा करते हैं। यहाँ धूप दीप अर्पित करते हैं। शनि भक्त दीपक प्रज्वलित कर श्री शनिदेव से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति की कामना करते हैं। प्रभु श्री राम के परम भक्त ज्ञान एवं गुणों के सागर अतुलित बल के स्वामी बल बुद्धि एवं विद्या प्रदाता श्री हनुमान श्री शनिदेव के परम मित्र भी हैं। अतः श्री शनिदेव के साथ श्री हनुमान का पूजन अर्चन एवं आरती का भी गहन महत्व है। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। अतः देश भर के मंदिरों की भांति श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में भी बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। भक्तजन संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान एवं आरती करते हैं। मानव जीवन में ग्रहों का भी गहन महत्व है। मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों की चाल 12 राशियों के मेल और 27 नक्षत्रों के खेल का असर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में नवग्रहों की स्थापना की गई है ताकि भक्त जन नवग्रहों को प्रसन्न कर नवग्रहों को अनुकूल कर अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार सकें और अपने जीवन को सरल सफल और सार्थक बना सकें। पारस पीपल के दर्शन मात्र से मानव जीवन के सभी कष्ट कलेश समाप्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है।
अतः श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आने वाले भक्तजन इस पारस पीपल की विशेष रूप से पूजा करते हैं। भक्तजन इस पीपल के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ इस वृक्ष को स्पर्श कर ईश्वरीय आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो भक्तजनों, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के मंदिर प्रांगण में आपको श्री शनिदेव के अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे, जो आपके कष्टों का निवारण करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जीवन में स्फूर्ति आएगी। तो फिर देर मत कीजिए, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पधारिए, श्री शनिदेव के दर्शन पूजन एवं तेलाभिषेक कीजिए, समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। दर्शकों, दाती दिव्य धारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।